शिव 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 शंभो महादेव शंभो। शिव 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 नर्मदा नदी है जो ये शिव जी के मात्र एक पसीने से हुई है, मतलब वहाँ पे महादेव का पसीना बहा था तो यहाँ पे पूरी नदी बन गई है नर्मदा नदी। तो ऐसा बोला जाता है कि नर्मदा नदी जो है ये शिव जी की पुत्री ही है। तो यहाँ पे दो ज्योतिर्लिंग है बेसिकली, एक है हमारा ओंकारेश्वर और दूसरा है ममलेश्वर, वो भी इधर ही है। तो यहाँ पर दो ज्योतिर्लिंग है, पर जो 12 ज्योतिर्लिंग है उन दोनों में से इन दोनों को एक ही माना जाता है। मतलब वैसे देखा जाए तो 13 ज्योतिर्लिंग बनते हैं, पर इन दोनों को एक में ही काउंट किया जाता है। तो जो है ओंकारेश्वर मंदिर है, ऐसा माना जाता है कि महादेव जी ने लोगों का मतलब भ्रमण करके रात को यहाँ पे सोने के लिए आते हैं, विश्राम करने के लिए आते हैं। तो इसमें यहाँ पे शयन आरती भी होती है, और उसमें क्या होता है कि जो पूजा पाठ का सामान होता है ना मंदिर में रखा जाता है, और उनको मतलब सुलाने के लिए सारा जो गद्दे वगैरह रखे जाते हैं, जब सुबह मंदिर खोला जाता है आरती के बाद तो वो सब बिखरा हुआ मिलता है, मतलब अपनी जगह पर नहीं मिलता। हर हर महादेव। तो यार स्वागत है 12 ज्योतिर्लिंग की इस पावन यात्रा में। तो मैं खड़ा हूँ अभी ओंकारेश्वर में। तो ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग जो है चौथा ज्योतिर्लिंग है हमारे 12 में से, पर हमारे सेकंड ईयर तो आज हमारा दूसरा ज्योतिर्लिंग पे हम खड़े हैं जिसका नाम है ओंकारेश्वर। तो पहले आपको मैं मंदिर दिखा देता हूँ। तो ये सामने मंदिर है, तो ओंकारेश्वर यानी ओम। तो यहाँ पर इसका क्या है मैं आपको बताता हूँ कि जैसे जो ये नदी दिख रही है ये नर्मदा नदी है, यहाँ पर दो नदियाँ बहती हैं, एक नर्मदा दूसरी कावेरी। तो ये दोनों जो हैं ये फॉर्मेशन करती है ओम की, तो इसलिए इसको ओंकारेश्वर कहा जाता है। तो अभी हम चलते हैं और आपको इस पावन धाम के दर्शन करवाते हैं। तो चलते हैं हर हर महादेव। और भाई वो है मंदिर सामने, और ये नर्मदा माता हमारी। कितना मस्त व्यू आ रहा है, इतना बढ़िया लग रहा है यहाँ खड़ा होके, एकदम एनर्जेटिक हो गया, बिल्कुल थकान हो रही थी अभी, और जैसे यहाँ एकदम थकान सारी दूर हो गई। अब चलते हैं नीचे स्नान करते हैं। भाई क्या मस्त लग रहा है यार। तो ये देख रहे हो ना नर्मदा नदी है, और ये इसके टापू पे जो है बना हुआ है हमारा मंदिर। तो ये जो नर्मदा नदी है ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई थी, फिर उसकी वजह से क्या हुआ था यहाँ पे एक टापू सा बन गया था। तो इसको ना शिवपुरी भी बोलते हैं, पहाड़ मतलब ऐसा मानते हैं कि पहाड़ी है। तो यहाँ पे दो ज्योतिर्लिंग है बेसिकली, एक है हमारा ओंकारेश्वर और दूसरा है ममलेश्वर, वो भी इधर ही है। तो यहाँ पर दो ज्योतिर्लिंग है, पर जो 12 ज्योतिर्लिंग है उन दोनों में से इन दोनों को एक ही माना जाता है। मतलब वैसे देखा जाए तो 13 ज्योतिर्लिंग बनते हैं, पर इन दोनों को एक में ही काउंट किया जाता है, क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि जो ज्योतिर्लिंग है दो ये मतलब जब उनके दो पार्ट्स हुए थे तो एक जगह बन गया था ओंकारेश्वर और दूसरी जगह बन गया था ममलेश्वर। तो जब मतलब शिवलिंग के दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया था वो, तो अभी हमने क्या सोचा कि पहले यहाँ पर स्नान कर लेते हैं, फिर ज्योतिर्लिंग के मतलब मंदिर के दर्शन करने चलेंगे। पहले यहाँ स्नान कर लेते हैं क्योंकि थकान बहुत ज़्यादा है। लो भाई आ गए कितने पास, कितना साफ है यार, कितना सुंदर लग रहा है, मस्त लग रहा है मेरे चेहरे की खुशी। मैन कितना सुंदर है यार, अति सुंदर। वो यहाँ पे नंगे हो गए हम लोग, जा रहे हैं स्नान करने के लिए। आ भी ले रहे मौज महादेव। जय होने सिंह, ये तो बनियान के उतार इसको। चले यार चले भाई चलते हैं, चलो भाई चल रहे हैं भाई स्नान करने के लिए, उसके बाद दर्शन भी करने हैं। बहुत लंबी लाइन लगी है भाई, यहाँ पे 2 घंटे की लाइन है मेरे ख्याल से, देखते हैं भाई जो भी होगा। हर हर महादेव। सबसे पहले करने चलते हैं स्नान, उसके बाद करेंगे दर्शन महादेव के। प्यारा व्यू देख के मन नहीं कर रहा गिरा 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 गिरा। बचाओ 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 बचाओ। इसका तो हो गया भाई, भैया स्नान कर रहा है मेरा तो हो गया भाई। जैसे अंदर गया ना तो एक दो सीढ़ी उसका सीढ़ी नहीं हो भाई, मैं अब ये कर बचाओ बचाओ। वाटर पार्क में आया क्या, जा अंदर जा। डर रहा है भाई। ओ भाई
मैं नहीं जा रहा भाई, अब डर लग रहा है। अबे जा, हो गया मेरा, मैंने देख लिया मैंने। अरे साले बहुत कह रहा है जा। ये नर्मदा नदी है जो ये शिव जी के मात्र एक पसीने से हुई है, मतलब वहाँ पे महादेव का पसीना बहा था तो यहाँ पे पूरी नदी बन गई है नर्मदा नदी। तो ऐसा बोला जाता है कि नर्मदा नदी जो है ये शिव जी की पुत्री ही है। डूब के मार, अब मेरे इतना जिगरा खुल चुका हूँ, अब मैं जाके डूब के मर सकता हूँ। ज्यादा जोश में मत आ माचो। भाई डूब जाएगा, मत कर मजाक, मत कर भाई, मत कर मजाक, मत करो यार। मंदिर में स्नान करके बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये शिव जी के पसीने से बनी थी पूरी नर्मदा नदी, जो उनकी पुत्री कहला दी है। यार ये कितनी बड़ी अच्छी बात है, आप अपने आप में कितनी पावन बात है ये, कि हमको इतने सौभाग्य हैं, हमारा इतना अच्छा है, हम इतने ब्लेस्ड हैं कि हमको यहाँ पर स्नान करने का मौका मिला, तो बहुत अच्छा फील हुआ। तो चलते हैं महादेव के दर्शन करने। जो है ओंकारेश्वर मंदिर है, ऐसा माना जाता है कि महादेव जी भी लोगों का मतलब भ्रमण करके रात को यहाँ पे सोने के लिए आते हैं, विश्राम करने के लिए आते हैं। तो इसमें यहाँ पे शयन आरती भी होती है, और उसमें क्या होता है कि जो पूजा पाठ का सामान होता है ना मंदिर में रखा जाता है, और उनको मतलब सुलाने के लिए सारा जो गद्दे वगैरह रखे जाते हैं, जब सुबह मंदिर खोला जाता है आरती के बाद, तो वो सब बिखरा हुआ मिलता है, मतलब अपनी जगह पर नहीं मिलता। भाई टेक्नोलॉजी ऑन टॉप, ओमकारेश्वर के दर्शन वीआर के द्वारा। लो मंदिर में लाइन में लगने की जरूरत ही नहीं है भाई। करने भाई वीआर के दर्शन, बोलू वीआर ऐसे देखना पड़ रहा है, हमने तो नहीं, हम तो भाई लाइन से ही लगेंगे। वैसे भी सही है, यहाँ पे नंदी जी महाराज साक्षात, डर लग रहा है भाई। फाइनली भाई पहुँच ही गए श्री ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग प्रवेश द्वार। कितना पुराना मंदिर बना हुआ, के दर्शन करने के बाद हम आ गए हैं ममलेश्वर। यार ओमकारेश्वर के दर्शन करके इतना अच्छा लगा। वैसे बोलते तो ना महादेव का पाना बहुत आसान नहीं है, बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, बहुत 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 ज्यादा। 4-5 घंटे हम लाइन में लगे रहे और सिर्फ 1 या 2 सेकंड हार्डली हम रुके, और वो तो शुक्र है वीडियो की कैप्चर हो गई। सॉरी महादेव, पर वीडियो मैंने कैप्चर कर लिया, आप लोगों को दर्शन करवा दिए, होप आपको अच्छा फील हुआ होगा। और उसके बाद टाइम हो गया था 9:30, हमने सोचा कि ओमकारेश्वर ममलेश्वर जाए या ना जाए, तो यहाँ पे ओमकारेश्वर और ममलेश्वर दो है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। तो इसके पीछे की स्टोरी मैं आपको फटाफट बता देता हूँ क्या थी, कि जब कुछ मतलब राजा ने जो थे यहाँ के, उन्होंने उनसे प्रार्थना करी थी महादेव से कि आप यहीं पर रुक जाओ ओमकारेश्वर में ही। तब उस टाइम क्या हुआ था, उसके पीछे कुछ स्टोरी थी, मेरे को वो उतना नहीं पता। तो वो शिवलिंग दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया था, तो एक था ममलेश्वर, एक था ओमकारेश्वर। तो हमने दोनों के दर्शन कर लिए और आप लोगों को भी करवा दिए। तो 4 घंटे लाइन में लगने के बाद सिर्फ 2 सेकंड हमारे को दर्शन करने को मिले, और इनसे पूछते हैं इनको कैसा लगा। हाँ भाई कैसा फील हुआ? बस ऐसा लग रहा है कि इतनी देर लगाने के बाद गए और भगवान ने हमें देखा, चलो अगली बार आना। तो कैसा लगा भाई? भाई 4 घंटे लाइन में लगने के बाद जो 4 सेकंड का सुकून था ना, भोलेनाथ से 2 सेकंड में मिले, वो भी बहुत बढ़िया है। तो हमने उनसे वैसे ही मन की बात शेयर करी, बस यही मेरे को अच्छा फील हुआ।
तो ये वैसे तो हम उनके साथ बात कभी भी कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं, पर मंदिर के अंदर खड़े होके वो बात उनसे करने का फील जो है वो अलग ही है। तो कोई बात नहीं, खैर। तो हमारे 2 ज्योतिर्लिंग हैं, इस 12 में से 2 हो चुके कंप्लीट, एक महाकालेश्वर और दूसरा ओमकारेश्वर। तो बस इस वीडियो करते हैं पर एंड, ज़्यादा वीडियो कर देना लाइक और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ज्योतिर्लिंग में। तो हर हर महादेव। जय जय शंकरा।